नाम क्या आप नाम बताइए, नाम बताइए। मुन्नीलाल नाम है। ये आपका खेत है? कितना बीघा है? साढ़े चार बीघा। रोने से वापस नहीं आएगा, अनुदान मिलेगा, आपको मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुआवजा मिले, हिम्मत रखिए। आप हिम्मत रखिए, आपको मुआवजा मिलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुआवजा मिले। आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रामीण चाची 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 जो लोग अधिया। नमस्कार, मैं हूँ विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग खजनी ब्लॉक में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी आग लगी हुई है और लगातार धू धू करके सारा खेत जल रहा है और यहाँ पे हमारे सामने तमाम ग्रामीण यहाँ के मौजूद है। मैं आया था तो ये लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे ये आप इसका कारण इसका रीजन समझ सकते हैं। लगभग कई कितना बीघा होगा चाचा ये कि पूरा खेत लगभग कितना जल चुका होगा अब तक? लगभग 35-40 बीघा खेत यहाँ पे जल चुका है और लगातार ग्रामीण वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ भीड़ लगी हुई है लगातार ग्रामीण। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले एक दमकल की मशीन आई और इस दमकल की मशीन के माध्यम से ये लोग आग को आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगी। चाची ये लाइट से आग लगी, बिजली का तार जो वहाँ से चिंगारी फेंक करके हमारे गांव की फसल जलाई है और ये तार इतना ढीला है। और रुको यार, नहीं इधर आइए, इधर सामने आइए। इतना ढीला है जिसके कारण बार बार यहाँ आग लगती है, बार बार इस तार से लगती है और बार बार कहने पर भी बिजली। यहाँ पर एक माता जी है जो कि बहुत ज्यादा रो रही है। क्यों रो रही है आप, क्यों रो रही है? ये खेत आपका है, पूरा पलटवा है। सरकार से मदद दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को संभालिए, सरकार से आपको मदद मिलेगी। आपका खेत है कि अधिया बोई थी? नहीं नहीं, हमारा हमारे माई बाप का है। आपने अधिया बोई है, आपका खेत है तो आपको अनुदान जरूर मिलेगा, इसका मुआवजा जरूर मिलेगा। आप रोइए मत। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ के लोग परेशान हैं। मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे कि कैसे मैं इन लोगों की व्यथा को आपको व्यक्त करूं। और यहाँ पे लगातार रो, चाचा रोइए मत। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपने नाम बताइए, नाम बताइए। मुन्नीलाल नाम है। ये आपका खेत है? कितना बीघा है? साढ़े चार बीघा। रोने से वापस नहीं आएगा, अनुदान मिलेगा, आपको मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुआवजा मिले, हिम्मत रखिए। आप हिम्मत रखिए, आपको मुआवजा मिलेगा। हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मुआवजा मिले। आप देख सकते हैं कैसे ये ग्रामीण चाची 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 जो लोग अधिया जो लोग कई सारे लोग हैं जो लोग अधिया पे यानी कि दूसरे का खेत बोते हैं, अपनी सारी पूंजी लगाए हैं, इन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के दर्द को समझिए। और फिलहाल तो ग्रामीण पूरी तरह से लगभग काबू पा चुके हैं, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत और है लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लगातार आधे घंटे से यहाँ पे हैं, लास्ट में जब सब कुछ बुझ गया तो हम लोग सोचे कि ये व्यथा हम आप तक पहुंचा है। और ये तमाम लोग अढ़ाई बीघा हमारे खेल ये हमारे खेत आइए। यहाँ पे कई सारे ग्रामीण हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार से ये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो जिनका खेत है उनको भी मुआवजा मिले और जिन लोगों ने अधिया पे जिनका खेत नहीं था दूसरे के खेत को लेकर अधिया पे जिन्होंने बोया है और उनकी फसल जल गई, मेरी सरकार से निवेदन है, इनसाइड भारत टीवी की सरकार से निवेदन है कि सभी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पे लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि एक किसान की कमाई उनकी खेती से होती है और वो जब जल के राख हो जाता है तो रोना लाजमी है। कैमरे के सामने वाला व्यक्ति विकास गोस्वामी उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं, अश्वनी वर्मा आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।